हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टैटिक से फीलिंग्स। वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे उठना पड़ा है क्योंकि आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम है। 8 सेमेस्टर्स हमारे आज कम्प्लीट होने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। सो सुबह 6 बजे आप लोगों को पता है कंडीशन कैसी होती है। मुझे इस तरह लग रहा है कि मैंने भंग पी हुई है। सुबह सुबह और उठना पड़ रहा है, ब्लॉगिंग करनी है तो भी करनी है। सुबह सुबह का टाइम है और मुझे कसम इस तरह फील हो रहा है जिस तरह मैंने ना भंग पी हुई है। इस तरह आँखों में से भड़ास निकल रही है ना गर्मी की वजह से। ऊपर से आखिरी पेपर की टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या आएगा पेपर में। ऊपर से दूसरी तरफ अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं क्या बनता है आज के पेपर में। जाके पता लगेगा कि क्या सीन है यूनिवर्सिटीज़ के। तो पेपर भी रेडी करना था और रेडी भी होना था यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि 8 बजे हमारा पेपर है। और वहाँ जाके देखते हैं क्लास फेलोज को, उनके एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या उनके एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है। इसके बाद पता नहीं कोई मिलता है कि भी है भी कि नहीं। और उनसे कुछ रिव्यूज़ लेंगे, देखते हैं कि क्या वो कमेंट पास करते हैं, क्या आगे वो मिलेंगे भी नहीं, और क्या मतलब उनकी फर्दर लाइफ में क्या हमें याद करेंगे भी कभी नहीं। तो चलिए आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रेडी होकर यूनिवर्सिटी जाते हैं और मैं आप लोगों को आज अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, और उसका इंटरफेस दिखाता हूँ और अपने कुछ क्लास फेलो से मिलवाता हूँ जो कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। और कुछ हैं मतलब फ्रेंड्स भी हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन उनसे रिव्यूज़ लेने भी बनते हैं। चले आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। गाइस अब हम लोग हो गए यूनिवर्सिटी के लिए रेडी, सो अब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी। सो चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने मुबारक कदम यूनिवर्सिटी में रख लिए हैं और ये हमारा साइकिल स्टैंड है जिसको हम लोग बस स्टैंड भी कहते हैं और बस स्टॉप भी है। ये अपने बैक साइड पे जो है यहाँ से बस। अब मैं आपको बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखाता हूँ हमारे मतलब मोटरसाइकिल स्टैंड का। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिविल बिल्डिंग में क्योंकि वहाँ पे हमारा एग्जाम है। और ये वाली जो बिल्डिंग है सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तकरीबन 1 साल तक बन जाएगी इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये मेरे बैक साइड वाला जो है ये बस स्टॉप भी है। यहाँ पे देखिए बस आई है और यहाँ से अब स्टूडेंट उतरेंगे और अपनी अपनी बिल्डिंग्स की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स उतर रहे हैं अब। जी तो ये हमारा है फुटबॉल ग्राउंड जिसमें पानी लगा हुआ है पानी लगा हुआ है, बाकी लगा जाता है रटापा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा ये शेड है ये जो कि हाँ ये सोलर प्लेटें लगाई हैं, लेकिन ये साइड पे तो शेड है ना, तो यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली तरक्की कर रही है तो ये स्टूडेंट्स की मतलब के ईज़ के लिए उन्होंने लगाया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं धूप से बच सके ना। उन्होंने अपने लाया ये तो है। बताओ भाई आपका लास्ट पेपर है आज, कैसी तैयारी है आपकी? तो मुझे ये बता कि यूनिवर्सिटी का आज लास्ट डे है अपना, 8 सेमेस्टर पूरे हो गए हैं, तो ये बता कि इसके बाद तो हमें मिस करेगा कि नहीं? गजब बेइज्जती है। अच्छा तो इसका मतलब तेरा इरादा ही नहीं है मिस करने का है क्या? कहे मिस करेगा? हाँ ये तो है, लेकिन मीट प्लानिंग गैदर का तुझे तुझसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तू लाइफ का सबसे फनीस्ट लतीफा सुना आज। फिर से बड़ा कोई लतीफा होगा। Well done, well done, well done. I got brides in the land. Just to lean. हम लोग अपनी सिविल बिल्डिंग की तरफ रवा दवा हैं और जाके पेपर की रिवीजन करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे। हाँ सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। ये देखिए हम पीछे बैक पे जा रहे हैं, अब हम आप लोगों को दिखाएंगे। हम नहीं आ रहे, हम फ्रंट से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ हम इस तरह फ्रंट पे आ गए, अपने बाल साल सेट करते हैं, अपनी ड्रेसिंग वगैरह देखते हैं। अच्छा जी हम लोग यहाँ सिविल बिल्डिंग में आ गए हैं, यहाँ हमारा पेपर है और चलते हैं सिविल की तरफ। हम लोगों ने सिविल में अपने मुबारक कदम रख लिए हैं, अब अल्लाह मालिक है सिविल का।
वो हमारा टग्गा रिवेन कर रहा है कि सामने देख सकते हैं आप ये चीज। आवाम लगी हुई है पेपर की तैयारियां करने में, अभी आवाम आ रही है, आएगी, अभी वक्त है। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ रिवियन, जो कि हम लोग अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए अच्छे तरीके से और हमारा पेपर खत्म आ जाए। ये भाई देखे किस तरह रट्टे मार रहे हैं यहाँ स्लाइड्स को खोल के ओपन करके, ये दिखाएं भाई अपना फेस, ये देखें मुतमईन है, मुतमईन समझ रहे हैं ना, मुतमईन। आप इतने बेगैरत हो। सो ये दो छापर भी आ रहे हैं, ये देखिए बाबर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बड़े हरामी हो बेटा। खुफिया तरीके से आ रहे थे, इन्होंने खुफिया तरीके से एंट्री ली, लेकिन हम लोगों ने इसे पकड़ लिया है। चेक करें, इसका पर्स भी चोरी कर लिया है किसी ने, तो किसी ने इसके ग्लासेस भी चोरी कर लिए है। किसने चोरी किया है वैसे? तुमने ही बोला ग्लासेस भी चोरी हो गए तुम्हारे। अच्छा तो तुम्हारे किसने किए हैं, तुम्हें किस पे शक है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सच्ची? ओ समझ सकते हैं, फिर मैंने तुम्हारे क्या तुम्हारा पर्स क्या कर रहा था वैसे बाय द वे। हाँ अच्छा, तो मैंने तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा हूँ। हाँ चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। जी ये हम लोगों ने पेपर के बाद मोबाइल इकट्ठे किए हैं, ये 1 2 3 4 5 मोबाइल हैं जिनकी सेल लगी हुई है सिर्फ 10,000। हम लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, जिसको चाहिए वो हमसे रब्ता करे, डिस्कशन करते हैं। ये होते हैं प्योर स्नैक्स, ये देखो स्नैक्स, ये देखो भाई स्नैक। डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे अलग से शॉपर इकट्ठे हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वालेकुम अस्सलाम। ये भाई हमारा नहीं है, लास्ट एग्जाम्स, हमारे जहाज यहाँ जहाज उड़ाने लगे, आप देखें ये बाबर साहब का क्रैश हो गया है, उसका थोड़ा सा गया ऊंचाई पे। सो होप सो यू गाइस एंजॉय दैट, और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। बड़े जहाज के पास ही आ रहे हैं। डियर सोंडी नेक्स्ट, बेवकूफ़ जहाज उड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भाई यहाँ डायरियाँ लिख रहे हैं और लड़कियों को दुआएं दे रहे हैं। Oh my God! Wow! क्या लिख रहे हैं डायरी में वो हमें नहीं पता, कुछ भी लिखे, लेकिन ये जो सूंदी खड़ी है साथ, इसकी इन्होंने डायरी लिखी है। A few hours later. हो गया, इन भाइयों की डायरियाँ लिखी गई यहाँ, इस तरह डायरियाँ लिख रहे हैं जैसे सवाब का काम हो। इनका काम चेक करो, इनके मुँह देखो, मुतमईन मुतमईन। आप इतने बेगैरत हो। ये देखो यहाँ पे ये डायरियाँ लिख रहे हैं जनाब तीनों, इस तरह लिख रहे हैं जिस तरह ना एग्जामिनेशन हॉल में एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के पीछे बैठ के ना जिस तरह लिखते, ये वैसे यहाँ छापे मार रहे हैं। चेक करें जरा इनका कॉन्फिडेंस लेवल। ये लो जी इसका जहाज ही क्रैश हो गया, जहाज इसका जहाज क्रैश हो गया भाई। लो यहाँ ये पागलों की तरह जहाज मारती फिर, ये लगता है ये बहुत खुश है। ऐसी लड़कियां जिनको डिग्री का आता पता कुछ होता नहीं, इनको पता है आगे जाकर कुछ मिलना मुलना तो है नहीं, लाइफ एंजॉय कर ले, ऐसी निकम्मी जहाजें भी होती है यहाँ पे। मस्त जोक मारा रे। सो मिस मनीजा, आप सब क्लास में सबसे ज्यादा किसको मिस करने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है आज हमारे सेमेस्टर का लास्ट पेपर था और आखिरी सेमेस्टर था, तो सबसे ज्यादा किसको मिस करेंगी आप? पूरी क्लास को मिस करूंगी, क्योंकि सबके साथ एक बहुत अच्छा टाइम होता है। आपकी आंखें रेड क्यों हैं? यहाँ शॉपर किस तरह लगे हुए हैं, शॉपर ही शॉपर है यहाँ पे, कोई भी डबल कर सकते हो। अपने उस टीचर से इंटरव्यू लेंगे जो हमारे पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं, तो पहले हम उनसे इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस अपना स्टार्ट। आपने हमें पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी क्लास के साथ आपका? एक्सपीरियंस है कि
इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, दुआएं करती रहिएगा दुआएं। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों का ग्रुप है जो कि मशहूर है स्नेक यूनिटी के नाम से। हाँ एक है लेकिन उसको हम लेके नहीं आए, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप है। ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि इन मेरा चैनल ये रिपोर्ट करेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम आज भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताओ कि आपका 4 साल का यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है? 4 साल यार, जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे समझ रहे हो आप? और ये बताओ कि मिस करोगे आने वाले 4 सालों में किसी को? यानी कि पूरी क्लास ही? थैंक यू सो मच ब्रो। गाइस हमारा लास्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर आज एंड हो गया है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको बहुत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी मेरी आने वाली वीडियोस को लाइक करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गाइस एट द लास्ट हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। आप लोग अगर वीडियो पूरी देखी है तो आप लोग जान सकते हैं कि हम लोगों ने इन्जॉय कैसे किया है। हम लोगों ने कुछ टीचर से इंटरव्यू लिए थे, कुछ स्टूडेंट से लिए थे जिनसे हम लोग ले नहीं सके थे। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।